फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे जो इंसान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है वो गोली लगने के बाद भी बच जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट काम कैसे करती है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं बुलेट प्रूफ जैकेट के आउटर कवरिंग को हटा दूँ तो हमें चार लेयर्स मिलेंगी, जिसमें सबसे पहली है सिरेमिक लेयर, फिर एरेमिक फाइबर लेयर, फिर वर्टेक्स लेयर और फिर पॉलीथिलीन लेयर। जब बुलेट सिरेमिक लेयर से टकराती है तो उसका शार्प एंड डिफॉर्म हो जाता है और स्पीड कम हो जाती है। इसके बाद बुलेट एरेमिक फाइबर लेयर से टकराती है जो कि स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये लेयर खुद पीछे की तरफ स्ट्रेच हो जाता है और बुलेट की काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे सरफेस पर। इसके बाद बुलेट वर्टेक्स लेयर से टकराती है जो कि एरेमिक फाइबर लेयर का एडवांस्ड वर्जन है। इन दी एंड जब बुलेट पॉलीथिलीन लेयर से टकराती है तो वो लेयर मेल्ट होकर बुलेट को पकड़ लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।